इंग्लैंड एंड वेल्स में मानो जैसे कि पूरा का पूरा भारतीय रंग छा गया है। जहां एक तरफ लोग भारतीय गानों पर ठुमकते दिख रहे हैं, तो वहीं कहीं आपको झाल मुड़ी वाले भैया भी दिख जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया झाल मुड़ी में क्या है ऐसा बात? तो ऐसा है कि ये झाल मुड़ी कोई इंडियन नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश महाशय बेच रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है अंगस। अंगस जी ने झाल मुड़ी का एक पूरा पूरा स्टॉल लगा रखा है, और वो भी कोई विलायती स्टाइल में नहीं, एकदम देसी। जी हाँ, ये देखिए, इसमें बादाम है, चनाचूर है, नारियल है, मुड़ी है, मिर्चा है, मसाला है, मतलब आह क्या बात है, मजा आ गया। चटकारे ले करके लोग खा रहे हैं। ओहो हो, अरे जरा देखिए तो, ये तो कागज की कुप्पी बना करके उसमें दे रहे हैं, मतलब परोसने का स्टाइल भी एकदम देसी है भैया। अच्छा अंगस भैया, सीखा कहाँ से? Where did you learn that? In India? Kolkata. In Kolkata. Wow. कोलकाता, अरे हमरे कोलकाता, अरे वाह भाई वाह, माने खूब भालो, हमारे कोलकाता से सीख के गए हैं। और कोलकाता के बारे में आपका क्या बयान है? They are the masters, बताइए भैया, कोलकाता वाले आए छा गए झाल मुड़ी बनाने में, तो अंग्रेजों ने भी हमें मास्टर समझ लिया। ऐसा है कि एक वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी चीजें लेके जाया करती थी, तब कोहिनूर लेके गए थे, अभी झाल मुड़ी की रेसिपी लेके चले गए। चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन महाशय से एक अच्छी चीज आई है कि इन्होंने भूला नहीं कि ये कहां से सीख के आए हैं। जो भी है, वहां पे लोगों को झाल मुड़ी के चटकारे मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोलकाता और इंडिया की बड़ाई हो रही है। वैसे कितने का दे रहे हैं चचा? चलिए कुछ का दे रहे होंगे भैया, वहां पे तो इंडियन रुपया से ज्यादा ही महंगा होगा। खैर, जिनको भी झाल मुड़ी पसंद है उनको तो पसंद है, और जिनको नहीं है, और अगर इन भाई साहब से कभी मिलते हैं आप, इंग्लैंड वाले जो भी हैं, तो देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि भैया हमारी कोलकाता की शान को अगर ये इंग्लैंड लेके गए हैं, तो इनके लिए भैया तालियां होनी चाहिए, तालियां बजाओ इनके लिए।